लोकसभा चुनाव सामने है, राजनीतिक पार्टियां लगातार उसकी तैयारी में जुटी हुई हैं और उसके लिए जमीन पर काम कर रही हैं। लेकिन इन तैयारियों में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे दिखाई दे रही है। जमीन पर तो तैयारी कर ही रही है, दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व की लगातार बैठकें हो रही हैं और टारगेट बीजेपी का 370 प्लस है, इस बात को प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, हम सब ने देखा है। आज शाम को एक अहम बैठक है, आज शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी इसमें मौजूद रहेंगे और यह कहा जा रहा है कि इसमें 100 लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। 24 में 400, फिर एक बार सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। हमारी सरकार सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, हमारे काम से ही चलता है। टारगेट 370 प्लस का है, लक्ष्य तीसरी बारी मोदी सरकार का है। 24 में 400 पार, अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। इसके लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 370 प्लस को अचीव करने के लिए सधे कदम से आगे बढ़ रही बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। आज शाम दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। जब ये दिग्गज नेता बैठक के लिए जुटेंगे तो एजेंडा होगा मिशन 2024 और टारगेट होगा 370 प्लस। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगा सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। दरअसल 2019 में जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल था। तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आती है तो लिस्ट में पीएम मोदी का नाम हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेताओं का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। मिशन 2024 में बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो 2019 में पार्टी हार गई थी, इसलिए पहले लिस्ट में इसका असर भी दिख सकता है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। उम्मीदवारों को बेहतर चुनावी तैयारी का वक्त मिले इसके लिए पहले लिस्ट में बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सीटों की लिस्ट पहले ही बना ली है। इन सीटों पर साल भर पहले ही क्लस्टर प्रभारी तैनात किए जा चुके हैं, इसलिए चर्चा है कि पहले लिस्ट में इन राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया और इसके लिए भाजपा जरूरी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के कई राउंड चले। आज बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से एक दिन पहले यानी 28 फरवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल राउंड की चर्चा हुई। इससे पहले 24 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इन बैठकों में लोकल यूनिट को उम्मीदवारों का पैनल बनाने और उसे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने को कहा गया था।
आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब इस पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगनी है। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखे तो बीजेपी ने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसी पैटर्न पर चलते हुए आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।